शांति, आपका प्रश्न है विष्णु से ब्रह्मा 5,000 वर्ष में बनता है और ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में कैसे? ये कहानी, ये बात पूरे वर्ल्ड ड्रामा को सिद्ध करती है। इस सच को समझने के लिए पहले हमें झूठ को देखना है। ये भक्ति मार्ग का चित्र है जिसमें कहा जाता है विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु। विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में कोई भी ऐसा चित्र नहीं है कि जहां ब्रह्मा विष्णु बने। विष्णु से ब्रह्मा निकलता हुआ दिखाया है। पहले हम इस झूठ को ध्यान से देखें कि नारायण जी के पास देवी देवता इकट्ठे हुए हैं कि हमारी पृथ्वी को राक्षस पाताल में ले गए हैं, हमें बचाओ। तो नारायण बजाय इसके कि वहाँ उसको बचाने के लिए जाएं, पृथ्वी को पाताल से निकालने के लिए जाएं, एक आंखें बंद करते हैं और एक जादू का खेल शुरू होता है कि इनकी नाभि से ये कमल का फूल निकलता है जो ऊपर जाकर खिलता है। जब ये कमल का फूल खिलता है तो इसमें से ब्रह्मा चारों वेदों और चार मुखों से कपड़े गहने सब पहने हुए तैयार होता है। तो अब सबसे पहली बात हम देखें, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको भगवान कर सकता है, पॉसिबल मान लिया। परंतु कोई परमात्मा का भी तो कोई नियम होना चाहिए। यदि नारायण परमात्मा है तो खुद तो कोई नियम को पालन करेगा ना, खुद अपने ही पेट से ब्रह्मा को पैदा कर देगा, वो मर्जिया जो कुछ कर सके। बाकी को 9 महीने बाद बच्चा मिले छोटा सा और ये पता नहीं बात सुनते ही जादू मंत्र खेल करें। और फिर उसमें एक और भी दिखाया कि ब्रह्मा भी उसको मारने के लिए नहीं जाते हैं और ब्रह्मा से जो है वराह जैसा एक देवता निकलता है सुवर के मुख वाला और वो जाकर के पृथ्वी को वापस लेते हैं। अब कहा यह जाता है कि वो वराह नारायण है, वो भी नारायण का ही अवतार है। अरे उसने, यदि नारायण ने सीधा वराह बनना था तो ये बीच में क्या बोलते हैं ब्रह्मा को लाने की क्या जरूरत थी, उसे वराह को पैदा करने की क्या जरूरत थी, और वो जाए और असुरों को धरती जो है ना असुरों से मुक्त करा करके देवताओं को प्रदान करे। ये सारा नाटक अब हम सही रीति से समझेंगे। वास्तव में क्या है कि नारायण सृष्टि के आदि प्रथम देवता है। 84 जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में वे जब बिल्कुल पतित हो जाते हैं, तो जो सारे देवी, अकेला पतित नहीं बनता, जो सभी देवी देवताएं थे वो भी उनके साथ साथ पतित बन जाते हैं। और फिर सब परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। तब परमात्मा आकर वो जो नारायण वाली आत्मा थी कि नर
ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो नर बन जाए और लक्ष्मी बन जाए, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। परंतु ऐसे कर्म करना सिखाने वाला भी तो कोई होगा। जब नर से नारायण बनता है तो चक्र के अनुसार नारायण धीरे धीरे नर भी बनेगा। तो वही नारायण जो सतयुग का आदि देव था, जन्म लेते लेते जब बिल्कुल पतित हो जाता है तो साधारण नर बन जाता है। तब परमपिता परमात्मा आकर उस पतित को पावन बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम मेरे डायरेक्शन पर इस सारी सृष्टि को पावन बनाने में सहयोगी बनो तो तुम ही सतयुग के नारायण बन जाओगे। तो हमें समझ में आता है कि वही नारायण जो जन्म लेते लेते बिल्कुल पतित हो गया था, उसको आप परम पिता परमात्मा आकर कमल पुष्प समान पवित्र बना देते हैं। जब वो कमल पुष्प समान पवित्र बनाते हैं तो नई सृष्टि की रचना करने का कार्य करते हैं, नई दुनिया को स्थापन करने का कार्य करते हैं। तो परमात्मा आकर पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं। जब ब्रह्मा संपूर्ण 100% प्योर होता है तो नारायण बन वही आत्मा जो सतयुग में नारायण थी, जन्म लेते लेते जब पतित हो जाती है फिर परमात्मा आकर सबको पतित से पावन बनाते। तो नर से नारायण बनने में 1 सेकंड कैसे लगता है? परमपिता परमात्मा आकर नर से नारायण बनने की ट्रेनिंग जो पढ़ाई है वो 100 साल पढ़ाते। परंतु जब तक पढ़ते हैं तब तक पुरुषार्थी है, जब एग्जाम देते हैं पास होते हैं तभी उनको सतयुग का देवता कहा जाता है। मैं समझ पा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 सेकंड का पेपर है, उस 1 सेकंड में पुरुषार्थी ब्रह्मा पास होने पर विष्णु बनता है। और विष्णु ब्रह्मा को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। ओम शांति। और विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो 921310698 पर व्हाट्सएप करें।